मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र पीतल नगरी सूरज नगर में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद से महिला का पति फरार है। वहीं महिला की मौत की जानकारी लगते ही मृतका के मैके के पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कटघर इलाके में महिला की गला रेत कर हत्या किए जाने की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। कटघर थाना पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए। कटघर पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला रेशम की शादी करीब 4 साल पहले मिलक मनकरा निवासी नरेश पाल सैनी के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि नरेश पाल पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। वे 6 माह से शहर के कटघर थाना क्षेत्र पीतल बस्ती सूरज नगर में किराए पर रह रहा है। महिला रेशम के भाई जगपाल ने बताया कि नरेश पाल आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था। मृतका के भाई ने अपने बहनोई नरेश पाल पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत कर बहनोई और उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कटघर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छोटी बहन को गला काट के मार दिया हमारे छोटे वाले बहनोई ने, नरेश पाल सिंह ने। क्या तुम्हारे बहनोई का विवाद चल रहा था कुछ? वो छोटी छोटी बातों में परेशान करता रहता था। कभी पुलिस में शिकायत दी इस तरीके की? पुलिस में एक बार शिकायत की थी महिला थाने में। पहले जो है कमरे में बंद करके मारा उसको, किवाड़े तोड़ के निकाला गया उसको बाहर। महिला थाने में शिकायत की गई थी, वहाँ से उसको समझा दिया गया। उसके बाद में वो कुछ दिन सही रहा उसमें, फिर वो व्यवहार अपने चालू करा। स्थानीय चौकी थाने में कभी कोई शिकायत दी थी? नहीं, वहाँ पे नहीं की थी। स्थानीय चौकी वहाँ पे नहीं की थी। अच्छा, ये जो कत्ल हुआ कैसे हुआ? सर ये तो पता नहीं कैसे हुआ है, जो है क्या कहते हैं उसको गला काट के मारा गया है रेशम को। कब की घटना है आपको कैसे? सुबह 4 बजे मुझे फोन किया था हर्षुर भाई साहब ने। अच्छा। यहाँ बराबर में रहते हैं, इनके ताऊ हैं नरेश पाल जी के। जी, फिर आपने देखा यहाँ कर क्या मिला? यहाँ पर वो लाश पड़ी हुई है उसकी, छोटी बहन की, गला कट हुआ, तमाम खून निकल गया उसका। कितनी उम्र होगी इनकी? 28 वर्ष। 28 वर्ष। कितने बच्चे हैं इनके पास? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों की भी ये पूरी साजिश के तहत किया गया है, इसके भाई बहन और बहनोई और चचा ताऊ जो भी हैं, जिन लोगों का भी इसमें हाथ है, उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और खून का बदला सिर्फ खून होगा और कुछ नहीं होगा। ये थाना कटघर में सूरज नगर जो फलवंडी रोड है पीतल बस्ती क्षेत्र में, उसमें आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम रेशम रानी है, उसकी गाँव रहती थी उस घर में, उसकी शव मिला है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने भी सहयोग लिया। जो मृतका है उसके परिजनों के द्वारा एक लिखित पहलू थाने पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उसका पति नरेश पाल सिंह, जो मूल रूप से मिलक मनकरा थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला है, उसने इसकी हत्या की है, क्योंकि उसके गले पर धारदार हत्यार से हमला किया गया था। निश्चित रूप से उसके घर में 2 बच्चे भी थे उसकी, 1-3 वर्षीय पुत्री और एक बेटा। जो परिजनों के द्वारा पति और उसके माता पिता और उसकी जो 2 बहनें हैं और उनके पति, उन सबके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये लोग निरंतर दहेज की मांग भी करते थे, तो ये दहेज हत्या और दहेज मृत्यु एवं हत्या दोनों ही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सब पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और अभियुक्तगण की शुरू गिरफ्तारी की गई। सर 3 साल का उसका बच्चा जो कह रहा है कि पापा ने चाकू से मारा, क्या उसे आप लोग उसकी बात को भी योजना में सम्मिलित किया जाएगा? वो मौके पर था और उसके द्वारा ऐसा बताया गया।